ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। छत्तीसगढ़ निषाद केंद्रीय कार्यालय भिलाई खोखा प्रथम त्रैमासिक बैठक प्रदेश संगठन द्वारा आहूत किया गया था। उक्त बैठक में सभापति के रूप में MR निषाद, छत्तीसगढ़ निषाद केवट समाज वरिष्ठ संरक्षक एवं अध्यक्ष मछुआ कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन रायपुर कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त एवं छत्तीसगढ़ निषाद केवट समाज के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर सिंह निषाद विधायक एवं संसदीय सचिव की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की फुडहर केवट निषाद समाज की बनने वाले सामाजिक भवन छात्रावास के लिए चिन्हांकित भूमि जिसकी रजिस्ट्री के लिए लगभग 25-30 लाख की आवश्यकता है, जिसके लिए समाज के सभी प्रतिनिधियों से समाज सेवियों के सहयोग की अपील की। गौरतलब है कि प्रथम तिमाही बैठक दुर्ग जिले के कोहका भिलाई में संपन्न हुआ, जिसमें सभी 5 संभाग के 28 जिले के सामाजिक प्रतिनिधि शामिल हुए और एक स्वर में राजधानी में बनने वाले सामाजिक भवन के लिए प्रत्येक सामाजिक घराने से घर घर से सहयोग बात में सहमति जताया और सभी अपने हिसाब से सहयोग प्रदान कर रहे हैं। पिछले दिनों शपथ ग्रहण समारोह दौरान इंदौर स्टेडियम रायपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 1 करोड़ रुपए की राशि घोषणा की गई थी। इस कार्यकारिणी की आज तिमाही बैठक हो रही है, पुढ़हर में भवन बननी है, काफी सारे मांग भी किए गए हैं, काफी लोगों ने दिए भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से अपील करेंगे? आज केंद्रीय कार्यालय खोखा में छत्तीसगढ़ निषाद समाज प्रांति कार्यालय के तिमाही बैठक आयोजित करे हैं, जिनमें सबसे बड़ी बात कि जैन प्रदेश निषाद समाज के तरफ से माननीय प्रदेश के मुख्यालय जैन मांग हो रही जिनमें जमीन के आवंटन के प्रक्रिया लगभग चला थे और ओकर पर जिन राशि की जरूरत है वो राशि के संबंध में पूरा जतका जिला के प्रमुख पदाधिकारी मनाए, प्रदेश के मुखिया मनाए और बहुत अकन दानदाता मन भी अपन स्वेच्छा से जमीन के रजिस्ट्री पर जिन अपन सहयोग करे तेकर पर भी मैं धन्यवाद देता हूँ और ये जतका जल्दी प्रक्रिया हुई उतका जल्दी हमारे जिन समाज पर एक सपना संजोए हैं कि हमारे पर एक ठीहा प्रदेश में चाहे सामुदायिक वन हो चाहे छात्रावास के, कि आज सब समाज के देखते हैं कि प्रदेश मुख्यालय में बड़े बड़े भवन बने हैं लेकिन हमारे निषाद समाज के नहीं है, तो एक बढ़िया से हमारे समाज पर एक संगठनात्मक जिन चाहत हैं उनका कार्य पूरा हो और साथ ही जिन सामाजिक नियमावली होते कई ठन बात आते कई ठन प्रकोष्ठ के गठन के बात होते चाहे महिला प्रकोष्ठ हो चाहे युवा प्रकोष्ठ हो चाहे वो हमारे कर्मचारी प्रकोष्ठ हो या फिर साहित्यिक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, समाज में हर प्रकार के नेतृत्व होते हैं तो वो नेतृत्व मल्ला आगू रखे पर भी ये प्रकोष्ठ के संबंध में भी सुझाव नामामतिन करें ओकर पर भी संगठनात्मक उसमें भी पहल चलत है और निश्चित ही समाज के संगठनात्मक ढांचा में जब तक हम अलग अलग विंग बना के नेतृत्व नहीं देवो तब तक समाज के जन संरचनात्मक या संगठनात्मक ढांचा है वो मूल रूप में नहीं आए, तो ये आमूल चूल परिवर्तित करे पर जिन संगठनात्मक विस्तार है ओकर पर भी सामूहिक रूप से चर्चा होते और ये समाज पर एक गतिशीलता प्रदान करते।